के उस सिलसिले को अगर उसकी बैकड्रॉप में देखा जाए तो मेरा ख्याल है हम इतनी सियासत नहीं कर रहे जितनी सियासत वहां पे हो रही है। तो मैं ये एक अदारों को जो है अफराद चलाते हैं, अगर ये हमारा जो अदारा है जिसका नाम पार्लियामेंट है, जो जमहूरियत की माँ है, और अभी थोड़ी देर पहले जो रिमार्क्स जो है आर्मी चीफ ने इस फ्लोर पे दिए ब्रीफिंग के दौरान जो है पार्लियामेंट के मुतल्लिक, मैं समझता हूँ कि ये बड़े खुशाइंद रिमार्क्स थे आर्मी चीफ की तरफ से इस अदारे की बालादस्ती के बारे में। इस अदारे के जो सरबराह जो मौजूदा वजीर आजम है उनकी जो है वजीर आजम के ओहदे के बारे में, वो शहबाज शरीफ के बारे में रिमार्क्स नहीं थे, वो वजीर आजम के ओहदे के बारे में, इस पार्लियामेंट के अदारे जो अदारा है उसके बारे में जो उनके रिमार्क्स थे, मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइन बात है। हमारी तारीख का एक नया मोड़ हमारे सामने आ रहा है और इस मोड़ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है कि अपनी पावर को प्रोटेक्ट कर, ये इल्जाम वजारत वजीर आजमों पर आता रहा कि हम लोग अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन करते हैं, वहां पे वो पावर अपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन को रिजिस्ट कर रहे हैं। वहां पे जो कुछ हो रहा है वो अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट रखना चाहते हैं, उसको उसका जो है मरकज जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल को रखना चाह रहे हैं। वहां पे हम चाहते हैं कि जो वहां पे पावर जो है डिस्पर्स हो ताकि वहां भी कोई जमहूरियत आए उस अदारे के अंदर जो है, वहां पे जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को देने का, मैं समझता हूं कि आजकल वो ये अदारा पाकिस्तान की सियासत में एक कम प्लेयर है और वो मेरा ख्याल है लीडिंग रोल जो है वो सियासत में वो आजकल प्ले कर रहे हैं। ये बात जो अभी वजीरे कानून ने कहा कि हम कथित तौर पे किसी की टेरिटरी पे ट्रेसपास नहीं कर रहे, लेकिन ये पार्लियामेंट भी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारी टेरिटरी के ऊपर ट्रेसपास किया जाए। जो टेरिटरी जो है डिफाइन की है मुख्तलिफ अदारों को आइन ने, उसका एहतराम होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए, और आइन ने जो तहफ्फुज़ फराहम किया है टेरिटरीज को मुख्तलिफ अदारों की, उनका जो है ग्रजिंगली जो है उसको डिफेंड करना चाहिए। थैंक यू। तो मैं समझता हूं जो लेजिस्लेशन हुई है, इससे पहले भी जो लेजिस्लेशन हुआ है, हमने वहां पे जो इंसाफ के जो पहरेदार जो हैं उनके हाथ मजबूत किए हैं, कमजोर नहीं किया। वो अगर अपने आप को खुद कमजोर कर रहे हैं और तारीख के सफ़ों के अंदर या तारीख के औराक के अंदर किस तरह वो याद किए जाएंगे, ये तो कोई तारीख ही फैसला करेगी। वमा अलैना लिल्लाह। थैंक यू। नाउ आई पुट द मोशन एज मूव